चलिए बेटा आ गए सब लोग, स्टार्ट कर दे हम। ओके, तो आज जो हमको चैप्टर पढ़ना है दैट इज चैप्टर नंबर 3। ओके, स्टूडेंट आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन। वीडियो क्वालिटी इज गुड, इज इनफ टू रीडेबल और नॉट? वीडियो क्वालिटी इज इनफ टू रीडेबल और नॉट? आप लोग बेटा फटाफट मुझे आंसर दे दो, वीडियो क्वालिटी इज इनफ टू रीडेबल और नॉट? चलिए नाउ इन थर्ड चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम, इन प्रीवियस चैप्टर चैप्टर नंबर 2 वी ऑलरेडी डिस्कस द आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन। एंड वॉट इज आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन? तो आर एच विटेकर गेव द क्लासिफिकेशन इन अ 5 किंगडम दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, नाउ फ्रॉम दैट मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ हियर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्लांट किंगडम। And in this chapter, we will discuss the algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and the angiosperm. Okay? यहाँ पर हम पांच टॉपिक बेटा डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं? तो दैट इज algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm एंड angiosperm। ये पांच टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। जस्ट अ मिनट हो बेटा। चलिए, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियस मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वेरियस मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन आए। ओके, जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन धीरे धीरे डेवलप होते गए वो कैसे हुआ, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। सो नाउ द वेरियस मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन इज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाय ऑनली, जो पहले सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया, इट इज बेस्ड ऑन ऑनली द ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक कलर, हैबिट, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया। देन आफ्टर द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब देयर स्टेम, लीव्स, फ्रूट एक्सेट्रा। ओके, एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, स्टेम, रूट, लीव्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया, एंड इट इज नोन एज द आर्टिफिशियल, इट इज नोन एज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। एंड दिस आर्टिफिशियल सिस्टम वॉज गिवन बाय लीनियस। हु गेव द आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन? सो इट्स लीनियस। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम were developed and which were based on natural affinities among the organism consider, और उसमें क्या क्या पॉइंट उन्होंने इंक्लूड किए, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, मीन्स द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नॉट ओनली द बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो द इंटरनल स्ट्रक्चर, लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर मीन्स इफ इट इज अ रूट तो उसका एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस मीन्स देयर अल्ट्रास्ट्रक्चर एज वेल एज एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी मीन्स हाउ द सीड गेट डेवलप एंड फाइटोकेमिस्ट्री, व्हाट इज फाइटोकेमिस्ट्री? फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स इट इज द केमिकल प्रेजेंट इन द प्लांट, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज नोन एज द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट इज नोन एज द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाउ द सच क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द जॉर्ज बैंथम
and Joseph Dalton Hooker, means Bentham and Hooker. Means the artificial system of classification was given by the Linnaeus and natural system of classification was given by the Bentham and Hooker. Now, the phylogenetic classification. So now what is phylogenetic classification? So phylogenetic classification system based on the evolutionary relationship means it is based on the evolution. Then uske baad hai beta numerical classification. So now in numerical classification, which is not easily carried out by using a computer, is based on the all observable character. Means this numerical classification is based on the observable, all observable character, and it is carried out by the computer. Then one more important thing, that is cytotaxonomy. And this cytotaxonomy, it is based on the cytological information like chromosome number. Means cytotaxonomy, it is the classification based on the chromosome number and their behavior and their structure. We all know that chromosome are the different four types: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. So unke basis pe classification diya. And the very last most classification is the chemotaxonomy. And the chemotaxonomy, it is based on the chemical structure or a chemical constituent present in the plant. If plant possesses alkaloid, plant has glycoside, plant has flavonoids, means different chemical component present in the plant, on that basis it gives the classification. It is known as the chemotaxonomy. Now one important thing, that is the based on the evolutionary parameter, based on the evolutionary parameter, the plant kingdom classified like this. A plant kingdom is classified like this. Yahan par main aapko bata raha hu beta, ke based on the evolution, this is the classification based on the evolution. Okay, now first, if the plant body is differentiated or not into root, stem and leaves. Bagda, yahan main dikha raha hu aapko, if the plant body is differentiated into root, stem and leaves, if yes and no. If no, then it is known as the thallophyta, means it is algae. If yes, plant body is differentiated into root, stem and leaves, then basis on the vascular tissue. Vascular tissue is yes or no. If it is no, then it is bryophyta. If yes, then again classify on the basis of the seed formation. If we know, then it is pteridophyta. Yes, then it is present on the ovary. If no, then it is gymnosperm. Yes, then it is angiosperm. And last, based on the cotyledon, means it is classified if one cotyledon monocot, if two cotyledon dicot. Means agar aapko koi question aaye, which of the following plant is non-vascular, to ye dono non-vascular hai, thallophyta and bryophyta. Seedless plant, pteridophyta, bryophyta and algae. Okay, aur ye dono kaise hai, seedling plant or it is a flowering plant. But in flowering plant, ovary is not present, means ovule is naked, gymnosperm, ovule is covered, angiosperm. So this is the classification based on the phylogenetic, means based on the evolution. Now uske baad hum baat karte hai classification based on the flower, if the flower is present or not. Means if the flower is present and not, if the flower is not there, that is called the cryptogamy, flowerless plant, phanerogamy, flowering plant. Agar flowerless plant hai to usme jo reproductive organ honge, that is conspicuous, means chote chote honge, and here the reproductive organ is well developed. अब क्रिप्टोगैमी में तीन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द क्रिप्टोगैमी एंड नॉट डिफरेंशिएटेड, तो आल्गी. हु इज द क्रिप्टोगैमी एंड नो वस्क्यूलर टिश्यू, आल्गी एंड ब्रायोफाइट बोथ. एंड हु इज द क्रिप्टोगैमी एंड वस्क्यूलर, तो दैट इज टेरिडोफाइट, बिकॉज टेरिडोफाइट हैज द वस्क्यूलर टिश्यू. एंड फेनेरोगैमी, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज वेल डेवलप्ड, एंड उसमें दो है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. इफ ओवरी इज नॉट देयर, जिम्नोस्पर्म, ओवरी इज प्रेजेंट, दैट इज एंजियोस्पर्म. क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर. ओके, फ्लावर एंड द नॉन फ्लावरिंग. नाउ उसके बाद हम चलते हैं आल्गी. तो यहां पर हम एक एक पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे. यहां पर एक एक चीज बहुत याद रखना बेटा, क्योंकि एक एक सेंटेंस में से क्वेश्चन आ सकता है. ओके, algae is the chlorophyll bearing because they are autotrophic.
Simple and thalloid means their body is not differentiated. Sometime algae is found with the fungi. जैसे हमने last chapter में पढ़ा था, algae and the fungi association is known as the lichen. And sometime algae is found with the animal. And which animal? So that is sloth bear. Some algae are unicellular form like chlamydomonas. Some are colonial. Colonial मतलब group में रहेंगे. That is wallwax. And some are filamentous like Eulothrix and the Spirogyra. तो यहाँ आपको याद रखना है. Unicellular algae is chlamydomonas. Colonial is the wallwax. And filamentous form is the Eulothrix and the Spirogyra. Now here, the algae reproduce by three way. Vegetative propagation, asexual and the sexual. Sub mein, vegetative propagation sub mein aayega. Okay, all algae. And that is by fragmentation. Sexual reproduction, asexual reproduction by zoospore. Zoospore matlab motile spore. Okay, and sexual reproduction by three way. One is isogamy, anisogamy and ogamy. Yahan par teen word diye hue hai. Isogamy, anisogamy and ogamy. What is isogamy? When the similar gamete are fused, it is called the isogamy. When dissimilar gamete are fused, it is called the anisogamy. And one, the male gamete is smaller and motile, and female gamete is larger and non-motile. It is called the ogamy. तो यहाँ पर बेटा isogamy में दो है. If the gametes are motile and flagellated, then it is found in chlamydomonas. If the gametes are non-motile and non-flagellated, it is found in Spirogyra. And anisogamy, dissimilar gamete amidst chlamydomonas. So in chlamydomonas, there is both the type, isogamous as well as anisogamous type of the sexual reproduction will take place. And ogamy, it is found in the wallwax and the fucus. ये सारी चीजें याद रखना बेटा. Unicellular algae, chlamydomonas. Colonial algae, wallwax. Filamentous algae, Eulothrix, Spirogyra. Isogamous, flagellated chlamydomonas, non-flagellated Spirogyra. Anisogamous, chlamydomonas, ogamous, wallwax and the fucus. ये सारी चीजें याद रखना बेटा. Okay, now next point पे बेटा चलते हैं. तो next is the uses of algae. That is the most important thing. Uses of algae. इसमें से भी बहुत MCQ आ सकते हैं बेटा. कि at least half of the total carbon dioxide fixed on the earth, it is takes place by algae. मीन्स ऐसा बोल सकते हैं जो भी photosynthesis होता है उसमें से half of the carbon dioxide is fixed by the algae. Photosynthesis, they increase the level of dissolved oxygen. क्योंकि हम सबको पता है photosynthesis होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा. इन द इमीडिएट एनवायरमेंट मीन्स जहां algae होंगे, इफ इट इज इन अ रिवर, इफ इट इज इन अ ओशन, तो उसके इमीडिएट एनवायरमेंट में क्या करेंगे, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा. देन सम ऑफ द algae लाइक पोरफायरा, लेमिनारिया एंड सरगासम एंड डिफरेंट 17 मोर स्पीसीज ऑफ द मराइन algae इज यूज एज अ फूड वर्म, एज अ फूड यूज करते हैं. देन यहां पर देखो बेटा, ब्राउन एंड रेड algae. सो ब्राउन algae प्रोड्यूस द algin, रेड algae प्रोड्यूस द केराजिन. ये दोनों हाइड्रोकोलोइडल सब्सटेंस है. नाउ व्हाट इज हाइड्रोकोलोइडल सब्सटेंस, मींस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका ज्यादा है. तो ये दोनों क्या करते हैं, सिपमेंट, मींस कोई भी लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. क्योंकि अगर मुझे कोई लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल सोच लो कि मुझे अगर यहाँ से कोई भी लिविंग चीज मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजनी है, तो क्या होगा, बाहर अगर मॉइस्चर चेंज होगा तो वो सारी चीजें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके बिगड़ जाएगी. तो मैं आसपास क्या भर दूंगा, algin और केराजिन भर दूंगा, जिससे क्या होगा, वही वाटर होल्ड करके रखेंगे अंदर, जो लिविंग मटेरियल है उसमें वाटर जाने देंगे नहीं. फिर है अगार, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमर्शियली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड द जेलीज एज वेल एज. अगार का यूज बेटा दूसरा कहाँ होता है, दैट इज इन द बैक्टीरियल कल्चर. ओके, देन टिश्यू कल्चर में यूज होता है. कहाँ से अगर अगर मिलता है, तो जेलीडियम एंड द ग्रेसिलेरिया algae. And last, chlorella and spirulina are the unicellular algae. They are used as a food and the protein-rich supplement for the space traveler. So, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 जो uses है, वो आपको याद रखने हैं. एक photosynthesis, half of the carbon dioxide याद रखना. दूसरा, porphyra and laminaria, sargassum, food की तरह use होता है. रेड algae, केराजिन, ब्राउन algae, algin एज अ हाइड्रोकोलोइडल सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. अगर गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया, आइसक्रीम, जेलीज एंड द बैक्टीरियल कल्चर एंड टिश्यू कल्चर में. क्लोरेला एंड स्पायरुलिना यूनिसेलुलर algae,
as a reach in the protein and use as in the space traveler. अब बेटा तीनों algae क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी उसके क्लासिफिकेशन कौन के किसके बेसिस पे दिए हैं तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दी पिगमेंट. क्लोरोफाइसी इज द ग्रीन algae, उसमें पिगमेंट क्या है बेटा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. मैं यहाँ पर मेन मेन पॉइंट बोल रहा हूँ फिर इसका डिफरेंस हम देखेंगे. उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा इट इज डिस्कॉइड शेप प्लेट शेप रेटिकुलर कप स्पाइरल एंड द रिबिन शेप. प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये भी क्वेश्चन बहुत आता है बेटा कि जो क्लोरोफाइसी होगा उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें क्या होगा पायरेनॉइड्स. अब ये पायरेनॉइड्स क्या है बेटा तो पायरेनॉइड सपोज मैं एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ क्लेमाइडोमोनास मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ये है आपका क्लेमाइडोमोनास बेटा. उसके अंदर ये है आपका क्लोरोप्लास्ट कप शेप का. ये है आपका न्यूक्लियस और ये है आपका दो फ्लैजेला राइट. तो पायरेनॉइड्स कहाँ होता है अंदर यहाँ पर आसपास स्टार्च होते हैं और बीच में प्रोटीन होता है. तो दैट इज कॉल्ड द पायरेनॉइड्स. पायरेनॉइड्स मतलब सेंट्रली इट पजेस द प्रोटीन एंड पेरिफेरली इट पजेस द स्टार्च. ओके स्टोर द फूड इन फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट और ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में फूड स्टोर करेंगे. उसका सेल वॉल आप देख लो बेटा तो कैसा होगा इट पजेस द इनर लेयर सेलुलोज का एंड आउटर लेयर पेक्टोस. रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड जूस्पोर प्रोड्यूस करेंगे एंड दे आर द मोटाइल स्पोर और फ्लैजेला होंगे 2 से 8 फ्लैजेला होंगे. कितने बेटा 2 से 8 फ्लैजेला होंगे. देन आइसोगेमस एनिसोगेमस एंड ओगेमस सारे होंगे. एग्जाम्पल दिए हुए बेटा क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूरोथ्रिक्स स्पायरोगायरा एंड द कारा. ओके सब अलगी आप देख लो सब अलगी में एक ही अलगी कारा ऐसी अलगी है जो मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें बाकी सब में यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. याद रखना बेटा कारा में मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड जैकेटेड जैकेटेड एंड मल्टी सेलुलर बाकी सब में जैकेटलेस एंड यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये जो जो पॉइंट बेटा मैं ज्यादा फोर्स करके बेटा मैं बता रहा हूँ वो आप अंडरलाइन करके या फिर कहीं पर नोट करके रखना बेटा. फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है ब्रांच्ड है फिलामेंटस है एक्टोकार्पस इट इज अ फिलामेंटस एल्गी और कई बार वो इतने ग्रो हो जाते हैं कि इट इज फ्रॉम द कैल्प इन द सीज ओशन में. क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल. जेंथोफिल में क्या होगा फूकोक्सेंथिन होगा बेटा. क्या होगा फूकोक्सेंथिन दैट्स व्हाई इट इज ब्राउन इन कलर. ओके सो इट इज ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेडेड ऑफ द ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द फूकोक्सेंथिन. जितना फूकोक्सेंथिन ज्यादा होगा उतना ब्राउन कलर ज्यादा होगा. देन नेक्स्ट वन इज द फूड स्टोरेज. एक्चुअली इसमें फूड स्टोरेज कौन से फॉर्म में होगा बेटा सो फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन एंड मैनिटॉल. उसमें स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट था यहाँ पर लेमिनारिन एंड मैनिटॉल. सेलुलोजिक सेल वॉल है और कोटेड और कवर्ड बाय द एल्जिन. प्लांट बॉडी में 3 पार्ट है होल्ड फास्ट स्ट्रिप एंड द फ्रॉन्ट. अब ये क्या है होल्ड फास्ट स्ट्रिप एंड द फ्रॉन्ट. तो एक्चुअली मैं यहाँ पर एक एल्गी सिंपली बताऊँ कि ये है होल्ड फास्ट जो रूट जैसा है जो एल्गी को जमीन के साथ चिपक के रखता है. फिर ये छोटा सा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ दैट इज स्ट्रिप इट इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड ये ऊपर मैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इट इज द फ्रॉन्ट. तो ये जो फ्रॉन्ट है दिस इज द फ्रॉन्ट. ये क्या है बेटा फ्रॉन्ट है. दिस इज द स्टिप एंड दिस इज द होल्ड फास्ट. ये क्या है होल्ड फास्ट है. तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो एल्गी को सबस्ट्रेटम जमीन के साथ चिपक के रखता है. ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है मीन्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है बेटा. क्लियर. Now, the next, उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन. यहां पर जूस पोर होंगे और वो बाय फ्लैजेलेटेड होंगे. कैसे होंगे बेटा बाय फ्लैजेलेटेड मीन्स 2 फ्लैजेला होंगे और अनइक्वल एंड लेटरली अरेंज. और जो भी गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे पायरी फॉर्म्ड होंगे. कैसे होंगे पायरी फॉर्म्ड. और एग्जाम्पल एक्टोकार्पस डिक्टोटिया लेमिनारिन सर्गासम एंड फ्यूकस. अब रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी इज द रेड एल्गी जिसमें फाइको एरिथ्रिन और क्लोरोफिल ए एंड डी दोनों होंगे. क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइको एरिथ्रिन होंगे. ज़्यादातर वो वार्म वाटर में होगा और एक चीज़ वो सरफेस ऑफ वाटर
पानी के ऊपर की सपाटी पे होगा और डीप इन द सॉइल जहां पर बहुत कम लाइट पेनेट्रेट होती है वहां पर भी होंगे। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एकदम कॉम्प्लेक्स होगा। फूड स्टोरेज इन अ फ्लोरिडिन स्टार्च होगा। ओके, उसके पहले में हमने देखा लेमिनारिन और मैनिटोल था, यहाँ पर फ्लोरिडिन स्टार्च होगा दैट इज सिमिलर एज अमाइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन। एंड यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर है वो नॉन मोटाइल है, मीन्स देर आर नो फ्लैजेला। ये टेबल बेटा बहुत ही अच्छी तरह से लर्न कर लो। तीन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। पिगमेंट बेटा याद रखो ए बी ए सी ए डी, मीन्स ए कॉमन बी सी डी। और फर्स्ट क्लोरोफाइसी है मीन्स ग्रीन कलर, सेकंड ब्राउन कलर है दैट इज ड्यू टू फुकोक्सैंथिन, थर्ड में रेड कलर है दैट इज ड्यू टू फाइकोइरिथ्रिन। फूड स्टोरेज इन स्टार्च मैनिटोल, लेमिनारिन एंड फ्लोरिडिन स्टार्च। सेलुलोज एंड एक चीज और लिखनी है तो लिख दो पैक्टोज भी होगा बेटा। सेलुलोज अंदर की तरफ होगा, पैक्टोज बाहर की तरफ होगा। सेलुलोज एंड आल्जिन होगा एंड इसमें सेलुलोज होगा सिर्फ। यहाँ पर मोटाइल स्पोर जू स्पोर विद द 228 इक्वल फ्लैजेला, यहाँ पर दो ही फ्लैजेला होंगे, अनइक्वल होंगे और इट इज लेटरल साइड आसपास होंगे, यहाँ पर फ्लैजेला नहीं होंगे। क्लियर बेटा? तो ये आपका हो गया आल्गी। क्या हो गया बेटा? आल्गी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट करते हैं ब्रायोफाइट। ओके बेटा, यहाँ तक अगर आप सबको पता चल गया है, इफ एनी डाउट आल्गी में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए या फिर हम आगे बढ़े। इफ एनी वन हैज एनी डाउट, अगर डाउट नहीं है बेटा थम कर दो। चलो अगर डाउट नहीं है तो थम कर दो और फिर हम आगे बढ़े। चलिए बेटा फास्ट। ओके, सो यहाँ तक हमने देखा बेटा आल्गी। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट में दो चीज़ें हैं, मॉस एंड लिवरवॉर्ट। ब्रायोफाइट मोस्टली कैसे एरिया में होता है? तो मॉइस्ट शेडी एरिया, इसीलिए बेटा उसको क्या बोलते हैं? सायोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सायोफाइट्स, बिकॉज दे आर लिव इन द शेडी एरिया। फिर आगे देखते हैं, ये बेटा फिगर सब कर लेना, फिगर के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, ब्रायोफाइट आर ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियन। वाई इट इज कॉल्ड एम्फीबियन? बिकॉज एक्चुअली दे लिव इन द सॉइल बट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर द वाटर और दे डिपेंडेंट ऑन द वाटर, दैट्स वाई इट इज एम्फीबियन प्लांट। ओके, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेशन। बैर रॉक्स मीन्स जो हमने प्लांट सक्सेशन पढ़ा ना, उसमें आपने जेरोफाइटिक पढ़ा होगा, जेरार्क सक्सेशन। जेरार्क सक्सेशन मतलब ड्राई एरिया में जो सक्सेशन होता है, तो ड्राई एरिया में सक्सेशन के दौरान सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले होता है लाइकेन एंड दी मॉस, फिर लाइकेन एंड मॉस में से धीरे धीरे सब प्लांट ग्रो होते हैं। ओके, अब बेटा यहाँ उसका लाइफ साइकिल देखें तो मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन द आल्गी, ये आल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। और उसके अंदर आप देखो कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स होंगे, मीन्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देयर इज नो रूट, नो स्टेम एंड नो लीफ, बट हियर इट इज द रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। एंड ऑलवेज गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, पजेस द फूट सीटा एंड द कैप्सूल। ओके, अब आगे बेटा देखते हैं, मैं आपको पूरा उसका लाइफ साइकिल बता देता हूँ।
तो यहां से हम लाइफ साइकिल देखेंगे। आपको लाइफ साइकिल जो मैं बता रहा हूं अभी, ये रहा बेटा लाइफ साइकिल। ओके, तो जो जो वर्ड मैं बोलता हूं वो याद रखना बेटा आप। ओके, हो सके तो मैं शायद इसको ही आपको यहां से ही बता दूं। देखो बेटा ये रहा लाइफ साइकिल। ओके, तो लाइफ साइकिल में पहले क्या होगा बेटा? सो इन लाइफ साइकिल फर्स्ट थिंग इट पजेस द इट इज फर्स्ट इट पजेस द दिस पार्ट दिस पोर्शन इज द गैमेटोफाइटिक मीन्स ऑलवेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज। मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा बेटा? द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइटिक, मतलब ये जो मैंने बनाया हुआ है दैट इज गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। इन ब्रायोफाइट याद रखना बेटा मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। ओके, फिर ये जो मैंने बनाया है वो क्या है? मेल और फीमेल ऑर्गन है दैट इज एंथ्रिडियम एंड आर्किगोनियम। ओके, फिर उसका गैमेट्स है। के सिर्फ यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, फिर डिटेल में जा रहे हैं। फिर वो जाइगोट बना रहा है, फिर स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बन रहा है, फिर प्रोटोनेमा बन रहा है। ओके, तो अब हम यहां से डिटेल में देखेंगे कि यहां आपको अभी क्लियर दिखेगा। देखो पहले गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है। दिस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हैज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रिडियम एंड आर्किगोनियम। क्या होगा बेटा? एंथ्रिडियम एंड आर्किगोनियम। दिस एंथ्रिडियम एंड आर्किगोनियम प्रोड्यूस द एंथ्रिडियम प्रोड्यूस द मेल गैमेट, आर्किगोनियम प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। दिस एंथ्रिडियम प्रोड्यूस द एंथ्रोजॉइट्स। क्या बोलते हैं मेल गैमेट को बेटा? एंथ्रोजॉइट्स। एंड दे आर द बायफ्लैजेलेटेड। देखा है बायफ्लैजेलेटेड दिख रहा है आपको, दो ही फ्लैजेला है एंड कॉइल स्ट्रक्चर। एंड फीमेल गैमेट हैज द एग। नाउ विद द हेल्प ऑफ द एंथ्रोजॉइट्स एंड द एंथ्रोजॉइट्स आर ट्रैवल टूवर्ड्स द एग गैमेट, क्योंकि एंथ्रोजॉइट्स कैसे हैं मोटाइल, वो फीमेल गैमेट तक आएंगे और फर्टिलाइज करेंगे एंड इट विल फॉर्म द जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा बेटा। जैसे ही डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होगा वो तुरंत मियोसिस में नहीं जाएगा, ये एक चीज याद रखना है यहाँ पर। दे आर नॉट डायरेक्टली एंटर इन टू द मियोसिस। वो क्या करेगा बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल फॉर्म दिस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी फूट सीटे एंड कैप्सूल। देन आफ्टर द कैप्सूल में जो डिप्लॉयड सेल होंगे इट अंडरगोइंग द मियोसिस एंड इट प्रोड्यूस द स्पोर। दिस स्पोर इज जर्मिनेट एंड डेवलप द प्रोटोनेमा स्टेज। दिस प्रोटोनेमा इट्स अ प्रिमिटिव गैमेटोफाइटिक क्योंकि अगेन इट इज हैप्लॉयड एंड दे फॉर्म द मेन प्लांट बॉडी लीफी स्टेज। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट। हम बेटा यहाँ से भी अभी लाइफ साइकिल एक बार लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो लाइन टू लाइन में क्या है? तो पहले ब्रायोफाइट एक्चुअली इट इज हैप्लॉयड सो इट प्रोड्यूस द गैमेट। सो मेन फेज इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट फेज हैज द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस द एंथ्रोजॉइट्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस द एग। दिस एंथ्रोजॉइट्स एंड एग्स आर कम इन टू द कॉन्टैक्ट एंड दे फ्यूज टूगेदर एंड इट फॉर्म द जाइगोट। दिस जाइगोट डू नॉट अंडरगो द रिडक्शन डिविजन इमीडिएटली। वो इमीडिएटली रिडक्शन नहीं करेगा। देन इट इज फॉर्म द मल्टी सेलुलर बॉडी इट इज कॉल्ड द स्पोरोफाइटिक। दिस स्पोरोफाइटिक इज नॉट अ फ्री लिविंग। वो कहाँ होगा? दे आर अटैच टू द ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट के साथ अटैच होगा। इट इज अटैच टू द गैमेटोफाइट। दे डिराइव द न्यूट्रिशनल फ्रॉम इट मीन्स वो वहां से न्यूट्रिशनल लेगा। के दिस स्पोरोफाइट इज अंडरगोइंग द रिडक्शन डिवीजन एंड इट फॉर्म द फोर हैप्लॉइड गैमेट्स। ओके, दिस गैमेट्स आर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस द अगेन गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। क्लियर बेटा? नाउ ब्रायोफाइट की बात करें तो उसका यूजेस क्या है? इट इज यूज एज अ फूड फॉर द मैमल्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल। स्फैग्नम अ मॉस पीट दैट इज यूज एज अ फ्यूअल। वो फ्यूअल की तरह यूज होता है। एंड द कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, जैसे आल्गी में था बेटा इट होल्ड द वाटर, वैसे ही ये भी क्या करेंगे? वाटर को होल्ड करके रखेंगे। इट इज यूज फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग थिंग्स। मॉस विद द लाइकेन फर्स्ट कॉलोनाइज रॉक। मैंने बताया इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट इट इज द पायोनियर कम्युनिटीज इन द ड्राई एरिया और द रॉक्स। वन मोर थिंग,
दिस ब्रायोफाइट इज डिकम्पोज द रॉक, वो क्या करते बेटा, जो रॉक्स पत्थर होंगे उसको डिकम्पोज कर देंगे, और डिकम्पोज करके वो क्या करेंगे, तो जो सॉइल होगा उसको हार्ड बनाएंगे फॉर द सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट, एंड सिंस मॉस जो है इट विल फॉर्म द डेंस मैट ऑन द सॉइल, इट विल फॉर्म द डेंस मैट ऑन द सॉइल एंड इट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग द रेन एंड सॉइल इरोजन. ओके, सॉइल इरोजन नहीं होने देंगे, और जो रेन की वजह से जो सॉइल होता है वो उसके ऊपर जो बहुत खराब इम्पैक्ट होता है वो भी कम कर देते हैं. लीवरवार्ट और मॉस, एक्चुअली वन मोर दैट इज एंथोसेरोटॉप्सिडा भी है. लीवरवार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, लीवरवार्ट इज नोन एज दी हिपेटोकॉप्सिडा. क्या बोलते हैं, हिपेटोकॉप्सिडा. व्हाई इट इज हिपेटोकॉप्सिडा और लीवरवार्ट, बिकॉज इट इज लीवर शेप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी लीवरवार्ट. यहाँ देखो बेटा, ये तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. मोस्टली मोस्ट सैडी बैंक ऑफ ट्री, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल में होता ही है. थैलॉयड बॉडी है, मतलब क्या है, रूट स्टेम और लीव्स नहीं है, इट इज़ अ सिंपली थैलॉयड. एंड मार्केशिया उसका एग्जाम्पल है. अब देखो तो इट इज डोर्जी वेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्टेटम, मीन्स जैसे अल्गी होता है वैसे ही ये जमीन के साथ चिपका हुआ होगा. डोर्जो वेंट्रली फ्लैटन, और टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, दो पैर में टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर. गैमी प्रोड्यूस होंगे इन द गैमा कप, और गैमी कैसे होंगे, ग्रीन कलर, मल्टी सेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड. देखो यहाँ पर मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ बेटा, दिस इज द गैमा कप, ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर के गैमा कप, उसमें ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड प्रोड्यूस होंगे. इसमें एसेक्सुअल मल्टी सेलुलर ग्रीन कलर बर्ड प्रोड्यूस होंगे, इट इज नोन एज द गैमा, एंड दिस गैमा इज रिलीज एंड इट फॉर्म द न्यू प्लांट, और उससे नया प्लांट बनेगा. ओके, नाउ वन मोर थिंग, एक और बात करते हैं बेटा कि उसका जो स्पोरोफाइट होता है, तो मार्केशिया का जो स्पोरोफाइट होगा वो डिवाइड होगा फूट, सीटे एंड कैप्सूल तीनों में, बट रिक्सिया का जो होगा, यहाँ पर ऊपर मैं दिखा रहा हूँ बेटा जो स्टिकी नोट में है, रिक्सिया का जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होगा. मार्केशिया में तीनों होंगे, रिक्सिया में सिर्फ कैप्सूल होगा. ओके, एंड यहाँ पर क्या होगा बेटा कि इसका जो स्पोरोफाइट है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, सो इट इज कम्प्लीट पैरासाइट. कैसा है बेटा, कम्प्लीट पैरासाइट है, मीन्स जो स्पोरोफाइट होगा वो कम्प्लीटली गैमेटोफाइट पे डिपेंड होगा. स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट. ये वर्ड मैंने बेटा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, आप उसको ध्यान से देखो बेटा, मैं यहाँ पर उसको बड़ा कर रहा हूँ. ये रहा, स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट. फिर दूसरा है एंथोसेरोटॉप्सिडा, उसमें हॉर्नवॉर्ट आएगा. क्या आएगा बेटा, हॉर्नवॉर्ट. और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, स्पोरोफाइट हैज ओनली फूट एंड कैप्सूल, नो सीटे, एंड इट इज पार्शियली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, मीन्स फुल्ली डिपेंड नहीं होगा, मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, तो गैमेटोफाइट में से, और अपना फूड अपने आप बनाएगा. मीन्स लीवर वाट में स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, बट इन हॉर्नवॉर्ट में वो पार्शियली डिपेंड होगा. क्लियर. अब लास्ट देखते बेटा मॉस, तो मॉस में क्या होगा, मॉस में बेटा वो दो स्टेज होते हैं, उसका जो गैमेटोफाइट होता है उसमें दो स्टेज होते हैं, प्रोटोनेमा एंड द लीफी स्टेज, जो मैंने ये फिगर में आपको बताया था. दो स्टेज कौन कौन से हैं, प्रोटोनेमा एंड लीफी स्टेज, दो होते हैं. प्रोटोनेमा स्टेज होता है वो डायरेक्टली स्पोर में से बनता है, और लीफी स्टेज जो होते हैं उसमें स्पायरली अरेंज्ड लीव्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा, स्पायरली अरेंज्ड लीव्स. तो ये रहा द क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड frequently filamentous stage, that is called the leafy stage, and this leafy stage is developed from the protonema. वो कहाँ से develop होता है बेटा, protonema में से develop होगा. leafy stage है वो protonema में से develop होगा, और protonema spore में से develop होगा. अब आगे देखते हैं. अब जो leafy stage है उसमें हमने देखा बेटा कि उसमें sex organ होते हैं, primary and secondary sex organ, that is antheridium and the archegonium, male and female. ये male and female जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या बनाएंगे, एंथ्रोजॉइड्स एंड एग, वो फर्टिलाइज होंगे, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगा, उसमें फूट और सीट और कैप्सूल होगा. मीन्स ये जो पूरा लाइफ साइकिल है वही का वही लाइफ साइकिल आप मॉस में दोबारा लिख सकते हैं, बट विद सम मोर एक्सप्लेनेशन लाइक प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट. ओके, ऐसे लिख सकते हैं. बट यहाँ पर भी आपको एक चीज़ याद रखनी बेटा,
कि स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, यानी मॉस में भी स्पोरोफाइट होगा वो पार्शियली डिपेंड होगा गैमेटोफाइट पे, यानी स्पोरोफाइट भी अपने आप अपना फूड बनाएगा, ओके, सिर्फ और सिर्फ लीवर वार्ट में नहीं होगा, बाकी दोनों में पार्शियली डिपेंडेंट होगा, मीन सिर्फ वाटर और मिनरल लेंगे गैमेटोफाइट में से और अपना फूड अपने आप बना लेंगे. क्लियर? एग्जाम्पल यहाँ बेटा मॉस के लिखे हुए है फुनारिया, पॉलीट्राइकम एंड दिस फैगनम, ये तीन एग्जाम्पल है किसके, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मॉसेस. ओके, ना उसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइट. बेटा ब्रायोफाइट में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़े. चलिए, इफ एनी डाउट, अगर डाउट नहीं है तो आप थम कर दो बेटा. चलिए फास्ट. ओके, बेटा अभी मैंने सुबह क्यों लेक्चर कर दिया कि हर रोज आपका सुबह हम 8 बजे लेक्चर ले लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरा चैप्टर आपको अपने हिसाब से पढ़ लेना है और इसके 90 MCQ आपको आपके पेरेंट्स को बोलना है घर पे बैठ के कि कोई भी बुक पे से 90 MCQ आपको टिक करके दे दे और उसका आपको टेस्ट देना है. ओके, और वो टेस्ट में आपको 90 में से 90 करेक्ट होने चाहिए, ऐसा प्रिपरेशन करना है. और टेक्स्ट बुक के बेसिस पे ही करो बेटा, पहले टेक्स्ट बुक करो फिर हमारा मॉड्यूल करना. ओके, नाउ टेरिडोफाइट देखे बेटा. सो इन टेरिडोफाइट इट इंक्लूड द हॉर्स टेल फॉन, मेडिसिनली पर्पस में यूज होता है, सॉइल बाइंडर में यूज होता है और ऑर्नामेंटल प्लांट है बेटा ये, और इसमें वस्कुलर टिश्यू होगा. इससे पहले कहीं पर भी वस्कुलर टिश्यू नहीं था, इसमें वस्कुलर टिश्यू होगा. ओके, एंड वस्कुलर टिश्यू में जाइलम में वेसल्स एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होगा. ये आपको याद रखना बेटा, जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होगा. कहाँ पर ग्रो होता है, तो इट इज ग्रो इन द डैम्प शेडी प्लेस बट मे फ्लरिश इन द सैंडी सॉइल कंडीशन में बेटा ये फ्लरिश होगा. ओके, और ये डैम सॉइल और मॉइस्ट में सैडी प्लेस में होता है, इसलिए उसको भी क्या बोलते हैं बेटा, सायोफाइटिक बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, सायो, इट इज ऑल्सो नोन एज दी सायोफाइटिक प्लांट भी, उसको भी हम बोल सकते हैं क्योंकि इट इज ग्रो इन द शेडी एरिया. क्लियर बेटा? नाउ द मेन, अभी इसका भी हम देखें तो मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक. जैसे ब्रायोफाइट में क्या था बेटा, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइटिक मींस हैप्लॉइड था, यहां पर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक बिकॉज इट इज डिप्लॉइड एंड इट विल प्रोड्यूस द स्पोर एंड मेन प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स. अब जो टेरिडोफाइट है उसमें जो स्मॉल लीव्स होंगे उसको बोलते हैं माइक्रोफाइलस, जो होंगे सेलेजिनेला में, और लार्ज जो लीव्स होते हैं वो होते हैं फर्न में, मैक्रोफाइलस बोलते हैं. अब यहाँ पर बेटा ये एक चीज़ याद रखना, मैं उसको डायग्राम के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ अभी, कि इसका भी अगर जो लाइफ साइकिल है वो हम कैसे डिस्कस करते हैं, तो मैं आपको उसका लाइफ साइकिल भी मैं बता देता हूँ बेटा. देखो लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस, लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट. तो देखो बेटा यहां पर मैंने पूरा लाइफ साइकिल ड्रॉ किया है कि दिस इज द मेन स्पोरोफाइटिक फेज, दिस इज द मेन स्पोरोफाइटिक फेज है ये क्या है बेटा, मेन स्पोरोफाइटिक फेज है, जस्ट अ मिनट, ये दिस इज द मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज द डिप्लॉयड with the root, stem and leaves. Sporophytic plant body produce the spore. अब spore कहाँ produce करेंगे, तो spore is produced in sporangia. अब question होगा sporangia कहाँ होंगे,
स्पोरेंजिया इज बोर्न ऑन द स्पोरोफिल. अब क्वेश्चन होगा स्पोरोफिल कहाँ होंगे, स्पोरोफिल इज बोर्न ऑन द स्ट्रोबिलस. तो एक कोन शेप का जो पार्ट होगा बेटा उसको स्ट्रोबिलस बोलते हैं. दिस स्ट्रोबिलस हैज द नंबर ऑफ स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया दिस इज द वन स्पोरेंजिया. ये एक स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के अंदर ये जो है दैट इज स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर जो दिखा है दैट इज स्पोर. मीन्स पहले कोन होगा, कोन के अंदर कोन को क्या बोलते हैं स्ट्रोबिलस. ओके ये मैंने यहां पर लिखा हुआ बेटा, देखो ये रहा ये पोर्शन आप देखो बेटा ये रहा कि स्ट्रोबिलस उसके अंदर नंबर ऑफ स्पोरोफिल, नंबर ऑफ स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर. ओके तो वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और जो स्पोर होंगे स्पोर विल जर्मिनेट एंड इट विल प्रोड्यूस द कंस्पिशियस स्मॉल मल्टी सेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक अपने आप अपना फूड बना लेगा फ्री लिविंग गैमेटोफाइटिक प्लांट दैट इज प्रोथेलस. मीन्स जैसे ही ये स्पोर डेवलप होंगे, स्पोर डेवलप होंगे वो क्या बनाएंगे मल्टी सेलुलर, ओके ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक प्रोथेलस बनाएंगे एंड दिस प्रोथेलस हैज एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम. क्या होगा बेटा उसमें एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम. तो एंथ्रीडियम जो होगा इट विल प्रोड्यूस द एंथ्रोजॉइड्स, आर्किगोनियम प्रोड्यूस द एग. ओके और एंथ्रोजॉइड्स यहाँ होंगे जैसे ब्रायोफाइट में बेटा एंथ्रोजॉइड्स थे, तो ब्रायोफाइट में एंथ्रोजॉइड्स जो थे वो कैसे थे इट इज अ मल्टी बायफ्लैजेलेटेड एंड कॉइल्ड. यहाँ पर कैसे होंगे मल्टी फ्लैजेलेटेड एंड कॉइल्ड होंगे. अब यहाँ क्या होगा एंथ्रोजॉइड्स एग के साथ फ्यूज होंगे और बनाएंगे वो जाइगोट एंड जाइगोट इज अगेन डेवलप इन टू द मेन प्लांट बॉडी और वो वापस स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा. तो ये पूरा लाइफ साइकिल यहाँ दिया हुआ है. पर यहाँ एक चीज आपको याद रखनी है कि शायद कई बार जो टेरिडोफाइट होता है उसमें होमोस्पोरस होते हैं. होमोस्पोरस मतलब बोथ द स्पोर आर सेम काइंड लाइक सेलेजिनेला एंड द साल्विनिया. एंड कई बार हिट्रोस्पोरस होते हैं दैट इज एक लार्ज स्पोर होता है दैट इज मैक्रो एंड स्मॉल होता है दैट इज माइक्रो. मैक्रो इट इज नोन एज द मेगा स्पोर, माइक्रो इट इज नोन एज द स्मॉल स्पोर. मेगा स्पोर इज द फीमेल एंड माइक्रोस्पोर इज द मेल गैमेटोफाइट. ओके और एक और चीज यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, सीड हैबिट. मतलब ये चीज याद रखना कि यहां पर जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, मैं यहां आपको एक दूसरे डायग्राम के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, यहां देखो बेटा जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, अब यहां मैंने वही डायग्राम में दो चीज बता दी है. क्या मेल और फीमेल दो पार्ट बता दिए, मेल कोन भी है फीमेल कोन भी है. अब मेल कोन होगा उसमें से क्या बनेगा, मेल कोन में से क्या फॉर्म होगा, तो यहां पर ये क्यों बंद नहीं हो रहा, जो मेल कोन होगा उसमें से क्या फॉर्म्ड होगा बेटा, तो माइक्रोस्पोर. और जो फीमेल होगा उसमें से क्या डेवलप होगा, मेगास्पोर. तो माइक्रो और मेगा स्पोर बेटा यहाँ फॉर्म हो रहा है, माइक्रो और मेगा स्पोर यहाँ फॉर्म्ड हो रहा है. जो माइक्रोस्पोर होगा वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगा स्पोर होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा. पर यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहेगा. फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहेगा, वो डिटैच नहीं होगा. हाँ मेल है वो मोटाइल है वो फ्री हो जाएगा. अब जब मेल होगा एंथ्रोजॉइड्स वो फीमेल के अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करेगा, फीमेल के अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करेगा और फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा ऑन द फीमेल प्लांट बॉडी. मीन्स जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा वो फीमेल प्लांट के ऊपर ही होगा. ओके इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, सीड हैबिट बोलते हैं. क्योंकि इसके बाद इवोल्यूशन में क्या आने वाला है, जिम्नोस्पर्म आने वाला है. तो जिम्नोस्पर्म और सब में सीड प्लांट स्टार्ट हो गए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से इवोल्यूशन हुआ सीड बनने का. ओके यहाँ से सीड फॉर्मेशन होने का इवोल्यूशन हुआ. एग्जाम्पल तो क्लासेस है सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सेनेजिनेला लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा, इक्विसेटम, टेरिडोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडेंटियम. क्लियर बेटा ये पता चल गया. अब हम जिम्नोस्पर्म करें. चलिए बेटा यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए. चलो फटाफट कोई डाउट है तो बताइए और डन है तो फिर थम कर दीजिए.
तो फिर हम आगे बढ़े। डन बेटा, चलो ये प्रेशी मैकवान कौन है बेटा? पूछ दो, प्रेशी मैकवान हमारा क्लासरूम स्टूडेंट नहीं है। नहीं बेटा, सारे में नहीं होते। एक्चुअली टेरिडोफाइट में जिस जो भी हिट्रोस्पोरस है बेटा, मैंने यहाँ दिखाया, जिसमें भी हिट्रोस्पोरस है, हिट्रोस्पोरस किसमें है? तो हिट्रोस्पोरस है किसमें? इक्विसेटम में हिट्रोस्पोरस है बेटा। तो हिट्रोस्पोरस जहाँ होते हैं वहीं मेल और फीमेल कौन होते हैं? ओके। और जिम्नोस्पर्म में सब हिट्रोस्पोरस है, तो उसमें सब में होगा बेटा मेल और फीमेल कौन? क्लियर? ओके नाउ, और प्रेशी मैकवान आप कहां से हो बेटा? सर वीबी इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप में है। ओके बेटा, गुड। चलिए अब आगे देखते बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, आगे जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म इज द नेकेड सीड। जिम्नोस का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। मींस यहां पर जो ओव्यूल्स होगा वो ओपन होंगे। मींस ओव्यूल्स इज नॉट कवर्ड बाय द वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी से कवर्ड नहीं होंगे बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मींस जो सीड होगा, सीड इज नॉट कवर्ड, मींस सीड कोट इज एब्सेंट एंड सीड इज नेकेड। अब जिम्नोस्पर्म में सबसे जो जायंट प्लांट होगा दैट इज रेडवुड, सिकोया, सिंपरवेरेंस, एंड सबसे छोटा होगा दैट इज नोन एज दी जैमिया पाइगीमिया। सबसे छोटा जैमिया पाइगीमिया एंड सबसे बड़ा दैट इज रेडवुड, दैट इज सिकोया। नाउ अब जो उसका रूट है वो टैप रूट है, ये याद रखना, टैप रूट होता है जिम्नोस्पर्म में, टैप रूट होता है। बट टैप रूट में भी मॉडिफिकेशन है। अगर पाइनस है तो उसके साथ ग्लोमस फंजाई होता है, तो वो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। और अगर साइकस है तो उसमें स्पेशलाइज सेल है जिसको हम कोरालोइड रूट बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। फिर उसका ब्रांचिंग देखो बेटा, साइकस होगा अनब्रांच्ड, पाइनस और सेड्रस में होगा ब्रांच्ड। फिर उसका लीफ देखो, तो कंपाउंड एंड सिंपल लीफ होते हैं, बट जो लीफ होते हैं दे आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम कंडीशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, कि जो लीफ है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के सामने सर्वाइव करते हैं। और जो कॉनिफर, मतलब जो भी हिमालय एरिया में जो प्लांट है, माउंटेन स्लोप पे जो प्लांट है, उसके लीफ कैसे होते हैं? नीडल लाइक। क्यों नीडल लाइक? क्योंकि सरफेस एरिया कम करने के लिए। थिकन स्टोमेटा संकन एंड थिक क्यूटिकल, कि वाटर लॉस कम हो, क्योंकि ये सारे प्लांट हिमालय स्लोप एरिया में होते हैं, जिसको हम जेरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? जेरोफाइटिक प्लांट। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन होगा, हिमालय एरिया में है फिर भी जेरोफाइटिक? यस, क्योंकि वहां पर फिजियोलॉजिकल ड्राई कंडीशन होती है। क्या होती है? फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन, फिजिकली ड्राई नहीं, पानी बहुत है इसलिए ड्राई, कम होगा तो फिजिकली ड्राई। अब आगे देखते बेटा, सो नाउ अब ये जो लाइफ साइकिल है किसका, जिम्नोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है बेटा, वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, पर मैं आपको एक एक पार्ट बोलता हूं और वो आपको याद रखना है।
लाइफ साइकिल में पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि उसमें मेन फेज क्या है, स्पोरोफाइटिक। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि गैमेटोफाइटिक है एक्चुअली। हमने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या पढ़ा, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में पढ़ा कि ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइटिक मेन था और स्पोरोफाइटिक उसके ऊपर डिपेंड था, कई बार पार्शियली भी डिपेंड था। टेरिडोफाइट में क्या पढ़ा, स्पोरोफाइटिक मेन था, गैमेटोफाइटिक डिपेंड था। पर यहां पर स्पोरोफाइटिक मेन होगा और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होगा। गैमेटोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट मीन्स इसमें डिप्लॉयड लाइफ साइकिल होगा। क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। अब एक चीज आपको याद रखनी है यहां पर, ये पहले क्या लिखना है, पहले क्या होगा, मेल कौन होगा, मेल स्ट्रोबिलस। मेल स्ट्रोबिलस में क्या होगा, मेल स्पोरोफिल। मेल स्पोरोफिल में क्या होगा, मेल स्पोरेंजिया। और मेल स्पोरेंजिया में से क्या प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर होंगे दे आर रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, उसको हम पॉलन ग्रेन्स बोलेंगे। क्या याद रखना है, मेल गैमेट कैसे बनेंगे, मेल कोन, मेल कोन हैज द माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल हैज द माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। दिस माइक्रोस्पोर आर द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द मेल गैमेटोफाइट एंड इट इज लिमिटेड इन नंबर, दैट इज कॉल्ड द पॉलन ग्रेन्स। एक हो गया पॉलन ग्रेन्स वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट करना है आपको, फीमेल स्ट्रोबिलस होगा। फीमेल स्ट्रोबिलस में क्या होगा, फीमेल यानी मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल में क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम। अब ये मेगा स्पोरेंजियम है उसको हम ओव्यूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल। और ये जो ओव्यूल होता है उसके अंदर क्या होगा बेटा, उसके अंदर होगा क्या, तो उसके अंदर होगा मदर स्पोर, दैट इज मेगा स्पोर मदर सेल मीन्स फीमेल स्ट्रोबिलस। याद रखना है, फीमेल स्ट्रोबिलस के अंदर मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स होंगे उसमें होगा मेगास्पोर मदर सेल। दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग द मियोसिस इट विल प्रोड्यूस द 4 मेगास्पोर। आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर ओनली वन इज जर्मिनेट, वन ऑफ द मेगास्पोर इज एनक्लोज विद द मेगास्पोरेंजियम मीन्स न्यू सेल से वो कवर्ड होगा। अब मैं यहां पर एक चीज आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं बेटा कि सिंपली मेरे पास मेल कोन है और फीमेल कोन है। मेल कोन में मैंने बताया जैसे माइक्रोस्पोरोफिल, यहां पर मेगा स्पोरोफिल, यहां पर माइक्रोस्पोरोफिल, ये होगा मेगा स्पोरोफिल। फिर आगे जाएंगे तो क्या होगा बेटा, माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन्स बनेगा। ओके, अब मैं आपको यहां पर डायग्राम ही दिखा देता हूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, लिखने से बेहतर वही होगा। देखो बेटा इसमें पूरा दिया हुआ है आपको, कि आप एक बार देखोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। और दो वर्ड आपको, दो चीज यहां एक याद रखनी है बेटा। देखो ये रहा कि मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम में से माइक्रोस्पोर। फीमेल कोन मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में से मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर में से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल में से मेगास्पोर में से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। बट फीमेल गैमेटोफाइट दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक आर्किगोनियम बनेगा जिसमें फीमेल गैमेट होगा और दूसरा वो क्या बनाएंगे, एंडोस्पोर। मीन्स यहां पर ये याद रखना, एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म बन जाता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए वो हैप्लोइड होता है बेटा। कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। फिर ये दोनों कंबाइन होके 2N बनाएंगे और वापस वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक ही चीज याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाएगा एंडोस्पर्म। अब यहां पर देखो मैंने ये चीज दिया हुआ है कि ओव्यूल कैसा होता है और वो सब की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ कि ओव्यूल एज द ऑर्थोट्रोपस, जो भी ओव्यूल्स होगा वो ऑर्थोट्रोपस ही होगा। सेकंड चीज, जो भी पॉलिनेशन होगा वो विंड से होगा। और एंडोस्पर्म एज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई इट इज हैप्लॉयड। ये तीन चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर कंपलसरी, क्लियर बेटा। तो ये हो गया आपका जिम्नोस्पर्म। अब बेटा आगे चलते हैं एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में आपको पूरा चैप्टर नंबर 2 जो हम प्लांट किंगडम, सॉरी रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ने वाले हैं
वही है, पर फिर भी यहाँ हम यहाँ पर उसको ब्रीफ ले लेते हैं कि एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ओके। और उसमें आप देखो कि इसमें फ्रूट होता है, बट जिम्नोस्पर्म में कभी फ्रूट नहीं आते क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं है, और वी ऑल नो दैट ट्रू फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम दी ओवरी। तो इन जिम्नोस्पर्म ट्रू फ्रूट इज एबसेंट, इन एंजियोस्पर्म ट्रू फ्रूट इज प्रेजेंट। फ्लावर, अब प्लांट देखो तो यूकेलिप्टस 100 मीटर है, इट इज द टॉलेस्ट प्लांट, ओके। और वल्फिया ग्लोबोसा इज द स्मॉलेस्ट प्लांट, टाइनी प्लांट। दो क्लास में डिवाइड किया उसको बेटा, एक डाइकॉट एंड दूसरा मोनोकॉट, ओके। डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, मोनोकॉट में 1 ही कॉटिलेडन होता है। फिर मेल सेक्स ऑर्गन को स्टैमेन बोलते हैं, स्टैमेन में एंथर होता है, एंथर में मियोसिस होके क्या बनता है बेटा, पॉलन ग्रेन्स। और फीमेल जो होता है उसको पिस्टिल बोलते हैं, उसमें ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, तो देखो बेटा ये एंथर में बना रहा हूँ, इसमें एंथर में मियोसिस होके वो 4 पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, ओके। पर ये ओव्यूल्स है, सोचो कि ये ओवरी है, राइट। ये ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स है, ओके। डायग्राम जैसा तैसा चलेगा, और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है बेटा, तो नीचे 3 सेल होते हैं, ऊपर 3 होते हैं, और बीच में 2 होते हैं। इसको हम एक्स सेल बोलते हैं, ये दोनों को हम सिनर्जिड सेल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलार न्यूक्लिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज द एंटीपोडल सेल, ओके। ये सारी चीज़ें आपको शायद पता होगी, इसका डायग्राम मैं आपको बताऊं तो इसका डायग्राम मैं प्रॉपरली आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि वो कैसे होता है, ओके, जिससे आपको बेहतर पता चल जाएगा। तो ये रहा उसका डायग्राम बेटा, जस्ट अ मिनट, देखो ये रहा उसका डायग्राम, ओके। एंथर और सब हमने पढ़ा, तो ये मैंने क्लियर उसका डायग्राम आपको दिखा दिया। उसमें क्या होगा बेटा, बीच में 1 सेल एक्सेल, फिर 2 सिनर्जिड सेल मिलके एग एपरेटर्स, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल, और बीच में जो होगा वो पोलर न्यूक्लियाई, ओके। ये तीनों होंगे। अब बेटा आगे चलते हैं, तो अब आगे क्या आएगा, तो पोलर न्यूक्लियाई और दोनों फ्यूज्ड होंगे, यानी दो चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है कि 2 मेल गैमेट होंगे, कितने, 2 मेल गैमेट होंगे। एक मेल गैमेट होगा वो पोलार न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा, और वो क्या बनाएगा, ट्रिपल एन बनाएगा, 3 एन बनाएगा, क्या बनाएगा, 3 एन बनाएगा, जिसको मैं आपको यहाँ पर वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ओके। ये रहा बेटा देखो कि डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। देखो ये रहा, ओके, जो एक मेल गैमेट होगा रेड कलर का, वो ग्रीन कलर पोलार न्यूक्लिया के साथ फ्यूज होके वो 3N बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट होगा वो एग के साथ फर्टिलाइज होके जायगोट बनाता है, ओके। वैसे यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, किसमें, एंजियोस्पर्म में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो 3N बनता है वो 3N को क्या बोलते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और उसमें से बेटा एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, 1 मेल गैमेटोफाइट एंड 2N पोलर न्यूक्लियाई कंबाइन होके बनता है बेटा, क्लियर। तो ये सारी चीजें हो गई एंजियोस्पर्म की। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ आपको प्लांट लाइफ साइकिल में याद रखना है कि 2 लाइफ साइकिल है, अल्टरेशन होता है, गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक। हैप्लॉयड जो होता है वो माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस करता है, और अगर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो वो मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस करता है, ये पहले याद रख लो। अब यहाँ तीनों में आपको ब्रीफ बता देता हूँ बेटा कि पहले आप डायग्राम भी देखो साइड में और ये देखो। तो पहले जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द 1 सेल जाइगोट, मीन्स स्पोरोफाइट कैसे बनता है, जाइगोट में से रिप्रेजेंटेड होता है। नो फ्री स्पोरोफाइट, मीन्स इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में फ्री स्पोरोफाइट नहीं होते, स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट का मियोसिस होगा एंड उसमें से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे,
वो हैप्लोइड स्पोर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे। जो गैमेटोफाइटिक होंगे वो कैसे होंगे बेटा, फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट होंगे, और वो वापस गैमेट बनाएंगे और गैमेट फ्यूज होंगे, वापस क्या बनेंगे, स्पोरोफाइटिक बॉडी। मीन्स यहाँ आपको हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में एक चीज याद रखनी है बेटा कि वो सब एल्गी में होगा, एक्सेप्ट फ्यूकस एल्गी एंड एक्टोकार्पस एल्गी में नहीं होगा, बाकी सब में होगा। एक्सेप्ट फ्यूकस एंड दी एक्टोकार्पस में नहीं होगा, बाकी सब में होगा। यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, गैमेटोफाइटिक मेन, फोटोसिंथेटिक, स्पोरोफाइटिक इज डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, बस बात खत्म। ओके, फिर लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है। दूसरे में आपको क्या याद रखना है कि सेकंड पॉइंट है वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसमें आपको क्या करना है बेटा, जो स्पोरोफाइटिक होगा वो डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक डिपेंड इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट, एंड गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, ऐसा रखना है। तो दैट इज डिप्लॉन्टिक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हैप्लॉयड डिप्लॉन्टिक कहाँ था, तो हैप्लॉयड डिप्लॉन्टिक इज फाउंड इन द ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। उसमें आपको क्या करना है बेटा, ब्रायोफाइट में आपको याद रखना है कि इन ब्रायोफाइट, फर्स्ट पॉइंट ब्रायोफाइट का है, जिसमें गैमेटोफाइटिक है वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है। बट जो स्पोरोफाइटिक था, स्पोरोफाइटिक इज अ पार्शियली डिपेंडेंट था, नॉट अ कंप्लीटली डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और वैसे ही आप टेरिडोफाइट में चले जाओ तो टेरिडोफाइट में क्या था, डोमिनेंट कौन सा था, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, बट जो गैमेटोफाइटिक था वो भी इंडिपेंडेंट था। मीन्स आपने सिंपली क्या देखा बेटा, हैप्लोन्टिक में डोमिनेंट फेज, हैप्लोन्टिक में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। डिप्लॉन्टिक में हमने क्या देखा, डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट। बट हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हम क्या देखेंगे कि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट बट द स्पोरोफाइट इज नॉट अ कंप्लीटली डिपेंडेंट, दे आर पार्शियली डिपेंडेंट। सेम वे टेरिडोफाइट में हम क्या देखेंगे कि स्पोरोफाइट इज मेन बट गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, गैमेटोफाइट भी अपने आप अपना फूड बना लेता है। मीन्स यहां पर दोनों फेज, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, बोथ आर इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया एल्गी में भी होता है और फ्यूकस एल्गी में डिप्लॉन्टिक होता है। मीन्स एल्गी जो है उसमें ये दो एक्सेप्शनल है, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया में होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड फ्यूकस में होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर बेटा, यहां तक अगर पता चल गया है तो प्लीज 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 आप थम कर दो, चलो फटाफट। अगर यहां तक सबको पता चल गया है बेटा, प्लीज फटाफट थम कर दो, और इफ एनी डाउट तो आप मुझे डाउट रख सकते हो बेटा, फटाफट। हर एक चीज मैंने आपको बता दी है, पूरा चैप्टर हो गया है। कल सुबह हम चैप्टर नंबर 8-4 लेंगे, एक दिन हम लेट हो गए बेटा, शेड्यूल के हिसाब से एक दिन लेट हो गए, पर मैंने कल कोई लेक्चर नहीं रखा था, पर कल भी आपका 8 बजे लेक्चर होगा। और मैकवान, आप अपने ग्रुप में बेटा, वीबी इंस्टीट्यूट वाले जो ग्रुप है उसमें सब बच्चों को बोल दो कि हर रोज सुबह 8 बजे ये लेक्चर होगा, तो सब लोग ऑनलाइन हो जाए। ओके, और वन मोर थिंग, कल आपका यूनिट 1 का टेस्ट होगा, यानी 1, 2, 3, 4 चैप्टर का कल आपका टेस्ट होगा। ओके, कल आपका यूनिट 1 का टेस्ट हो जाएगा बेटा। ओके, सबको पता चल गया यहाँ तक बेटा, इफ एनीवन हैज एनी डाउट आप मुझे बोल सकते हो बेटा। कल आपका टेस्ट होगा इसका 1, 2, 3, 4 का। ओके, और मुझे, मैं पूरा जो सिलेबस है वो मैं CBSE टेक्स्ट बुक में से पेपर रखूंगा, और मुझे उसके रिजल्ट चाहिए, हर एक बच्चे का मुझे 300+ चाहिए बेटा, हर एक बच्चों का 300+ मुझे मार्क्स चाहिए बेटा। ओके, आप ऐसा 4 चैप्टर ऐसे कर लो कि बायो में देखना ही ना पड़े, रट लो इस चारों को। ओके, लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए। इसका भी मैं PDF अभी आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, 4th चैप्टर का बेटा PDF मुझे बनाना बाकी है। ओके, क्योंकि ऐसा PDF कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि मैंने डाउनलोड कर लिया, PDF मुझे बनाना है। ओके, तो 4th चैप्टर का भी मैं हाईलाइट करके PDF अभी बना रहा हूँ, जैसे ही बन जाएगा मैं आपको भेज देता हूँ। ओके, सो बच्चों अभी यहाँ पर मैं
एक चीज आपको बता रहा हूँ कि कल आपका यूनिट वन का टेस्ट होगा, और कल सुबह भी हम 8 बजे मिलेंगे और आपका चैप्टर नंबर 4 हम फिनिश करेंगे। मेंटी क्विज नहीं बेटा, मेंटी क्विज नहीं होगा। मेंटी क्विज हम जब 11th फुल हो जाएंगे, तब 11th फुल के हम 5 मेंटी क्विज रखेंगे। ओके, 11th फुल के हम 5 मेंटी क्विज रखेंगे। बाकी अभी तो आपको घर पे ही मैं यहाँ से पेपर दे दूंगा, और वो पेपर को आपको घर से लिखना है अपने आप, और मार्क्स मुझे सबमिट करना है। क्लियर बेटा, हो गया? चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे। और ये स्ट्रीम को बेटा मैं यहीं पर अभी फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।